नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपके भरोसेमंद न्यूज चैनल भारत छाछुड़ा में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों में। झारसुगुड़ा में बीते 24 घंटे में आए 13 नए कोविड पॉजिटिव के मरीज। इसी के साथ झारसुगुड़ा में कोरोना के एक्टिव केस पहुंचे 305 तक। बीते 24 घंटे में 69 कोविड के मरीज कोरोना से ठीक होकर घर को लौटे हैं। झारसुगुड़ा में सोमवार शाम को 6 बजे से 18 वर्ष से ज्यादा के व्यक्तियों के लिए वैक्सीन की स्लॉट खोली गई थी। ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया आज और कल झारसुगुड़ा के विभिन्न जगहों पर दी जाएगी। वैक्सीनेशन लेने जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। झारसुगुड़ा बहाल में एक मेडिकल दुकान से नकली दवाई बरामद होने के बाद ग्रस इंस्पेक्टर ने कहा कि जिले के अन्य मेडिसिन स्टोर्स में ये मेडिसिन है या नहीं इसकी जांच चल रही है। बड़माल थाना अंतर्गत पत्रापाली पंचायत के महुल मुंडा गाँव में एक शराब व्यापारी से 60 पैकेट देसी शराब जब्त करने के साथ साथ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झारसुगुड़ा में न्यूज़पेपर द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया था। ये प्रार्थना उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए था जो कोरोना में मारे गए हैं, और जो मरीज अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। झारसुगुड़ा के यंगस्टर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ब्लड डोनेशन दिवस मनाया गया। इस मिशन का लक्ष्य है कि एक ब्लड डोनर अपने लाइफ में 100 से भी ज़्यादा टाइम रक्तदान करेंगे। झारसुगुड़ा नगर पालिका के 21 नंबर वार्ड अंतर्गत भोई मेमोरियल युवक संघ के समर्थन से एक स्थानीय बुरोमाल गवर्नमेंट हाई स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। नेशनल हाईवे 49 पर कुलाबिरा तेलन नदी के ऊपर ब्रिज में छेद हो गया है। मरम्मत कार्य के दौरान ट्रैफिक की समस्या हो रही है। 60 से अधिक वर्षों से इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। झारसुगुड़ा सदर थाना अंतर्गत BTM के मौलीगुड़ी एरिया में रहने वाले नगर पालिका कर्मचारी ने बाइक में लगाई आग। भूमि क्रय विक्रय के मामले में भूमि के मालिक ऐसा किया है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई। सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 18 वर्ष से ज़्यादा के उम्र वाले लोगों को सेकेंड डोज टीकाकरण को प्राथमिकता देने के लिए कहे हैं। काली मंदिर रोड झारसुगुड़ा, जी हाँ, यहाँ मिल सकता है आपको रॉयल बेकरी में बहुत टेस्टी एंड फ्रेश मटेरियल। यहाँ पे आपको मिल सकता है फ्रेश केक, कुकीज, पेस्ट्री, जो खाने में जितना टेस्टी है क्वालिटी में भी उतना ही बेहतर। यहाँ आए और इन सब का लुफ्त उठाए। काली मंदिर रोड झारसुगुड़ा। जहाँ पे सारी दुनिया सुबह जाग जाती है, वहाँ पर झारसुगुड़ा प्रशासन कई सालों से जागने का नाम ही नहीं ले रही है। सालों से लोगों का विरोध करने के बावजूद भी झारसुगुड़ा प्रशासन के कानों तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। इसीलिए झारसुगुड़ा मुख्य अस्पताल जाने का रास्ता गड्ढे से भरा है। चलिए एक नज़र डालते हैं अस्पताल जाने वाले रास्ते के ऊपर। पिछले कुछ दिनों में बारिश के कारण रास्ते की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि मरीजों को वहाँ से ले कर जाने में लोग डरते हैं कि कहीं हॉस्पिटल पहुंचने से पहले कोई हादसा ना हो जाए। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं वो लोग वहां पे फिसल कर गिर जा रहे हैं। मरीज और प्रेग्नेंट औरतों को भी इस रास्ते में जाने आने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के बार बार बोले जाने पर, विरोध प्रदर्शन किए जाने पर भी प्रशासन इस विषय के ऊपर कोई कदम नहीं उठा पाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बारिश का मौसम आने के साथ साथ रास्ते में पानी जमा हुआ है, गड्ढे में पानी भर चुका है, रास्ता पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। बड़े बड़े ट्रक्स और वाहन इस रास्ते से जाना आना करने की वजह से रास्ते की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ तक कि रात के समय में स्ट्रीट लाइट भी सही से नहीं जलती है। आज ओडिशा प्रगति दल के सदस्यों के द्वारा और झारसुगुड़ा परिवेश सुरक्षा संघ के द्वारा इस रास्ते की जल्द से जल्द मरम्मत की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किए। अब सवाल ये है कि इन सभी दिक्कतों के साथ साथ अगर एक व्यक्ति इस रास्ते पर जाते हैं तो उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे भारत झारसुगुड़ा के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को।